सुचा भाई, आगे मौका मिले ना मिले, बहुत दिन से जानने का मन था कि आप ना भले कैसे, मतलब इस दुनिया में आए कहाँ से। पंडित जी, पूछा था मैंने भी एक दिन पापा से कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो उन्होंने ना एक कहानी सुना दी। अच्छा, तेरे डैडी भी कहानी खोर है? बहुत बड़े, मुझसे मिली है ना जींस उन्हें, लेकिन उनके कई किस्से ना समझ नहीं आते, आपको आए तो बताना। तो सुनो, पापा ने बताया कि एक बार वो हमारी तरह ऐसे किसी जंगल से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मैं, यानी कि प्यारा सा चूचा, एक डाइन के पेड़ से चिपटा हुआ हूँ। पापा ने जैसे ही मुझे देखा ना, तो मुझसे प्यार कर बैठे और डाइन से बोले कि ये डाइन की बच्ची, ये जो प्यारा सा चूचा तूने अपने पेट से चिपकाया हुआ है, ये मुझे दे दे। ओ ओ चमगादड़, क्या बगी जा रहा है, ये पागल है क्या? देख बोली, मैंने तुझे पहले भी कहा था, कहानी सुनाते वक्त बीच में मुझे मत टोका कर, आई डोंट लाइक इट। हाँ पंडित जी, तो कहाँ था मैं? डायन के पेट पे। हाँ, तो डायन बोली कि एक ही शर्त पे अपना प्यारा सा चूचा दूंगी तुझे, कि पहले तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। पापा ने थोड़ा सोचा, पर मेरे खातिर उस डायन से शादी कर ली, और मुझे और उस डायन को 2/16 गीता कॉलोनी ले आए। लेकिन यार, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि जब भी मैं पापा से पूछता हूँ कि पापा वो डायन कहाँ गई, तो मम्मी मुझे चप्पलों से क्यों मारना शुरू कर देती है। भाई, तेरे डैडी जी से मिलना पड़ेगा यार। मुश्किल है, वो अरे गरे लोगों से नहीं मिलते।